पिछले दिन ही नशे नाल मरे सके भरावा दे घर पहुंचे अमृतपाल सिंह। तरन तारण दे पिंड धुन ढाए वाला विखे होई सी सके भरावा दी मौत। ईसाई पास्टरां नूं अमृतपाल सिंह ने फिर सुनाईयां खरियां खरियां। तरन तारण दे पिंड धुन ढाए वाला विखे वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे प्रधान अमृतपाल सिंह वल्लों शिरकत कीती गई, जिथे उन्हां वल्लों नौजवानां नूं नशे छड्ड के गुरु लड़ लगन लई प्रेरिया। इस उपरंत उन्हां वल्लों तरन तारण दे पिंड धुन ढाए वाला विखे पिछले दिन ही नशे नाल होए सके भरावा दी मौत मामले विच उन्हां दे घर विखे उन्हां दे परिवार नाल मुलाकात कीती गई। वेखो स्पैशल न्यूज़ पंजाबी तो सोनू पत्याबाद दी खास रिपोर्ट। दूजी गोली चलाउण दी की लोड़? सो उस दिन तक का इंतजार आप इदा नहीं करना कि आप नशे दिया नशीलियां गोलियां में मर जाइए। मरना जो होया तो दूजी हुकूमत की जी गोली है उन्हें मरेंगे जरूर, पर इन्होंने गोलियां नहीं मरना। अज तो बाद धैया करो। पिंड के जिन्हें भी नौजवान ने यह मैं तुम्हें अगे भी बेनती की है कि तुम थोड़े मैं पता है तुम फस गए हो इस चक्कर के तब तो छड़ना औखा है, पर जेड़ा गुरु सिख न हर भय तो मुक्त करता हर पीड़ तो मुक्त करता बंद बंद कटिया हुए की राखी करता वह सी नहीं करता सिख। तुम दसो भी तोड़ मजिया ताकि राखी ना करो, पर उन्हें उसकी राखी करनी जिसे मन च प्रेम होया। जे गुरु के प्रति प्रेम है तो फिर तो सारा कुछ छुट जाऊ, जे गुरु के प्रति प्रेम नहीं फिर कुछ नहीं छुटना। इस करके इन बेनती मैं करनी है नशे छड़ दो तो गुरु के लेखे लग जाओ। 30 तरीक न अमृत संचार होना है अकाल तख्त साहब के उत्ते, जिहड़े नौजवान ने तैयारी कर लैन उत्थे जाके गुरु के चरणों शीस भेट करना है। शीस भेट करके अरदास बेनती करनी है कि सतगुरु सच्चे पातशाह यह जीवन तुहाडा है, तन मन धन सब कुछ तुहाडा है, जिथे लेखे लाउणा ला दिओ। सो इन्नियां कि बेनतियां ना खिमा दा जाजगा जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। प्रेरित कर रहे हो नशे छड्डो ते अमृत छको, अज उस घर दे विच तुसीं पहुंचे हो जिथे कि पहला ही दो नौजवान जिहड़े ने वह नशे की भेट चढ़ चुके हैं, दोवें सके भरा ने। की कहना चाहते हो कि नौजवान को प्रेरित किदा करोगे? संघर्ष की गल भी तुम करते हो, गुरभाई लहर तुम चलाई सी कि इसी तरीके समागम जाके प्रेरित करो करोगे ज पिंड जाके घर घर जाके भी नौजवान को प्रेरित करोगे? पहला तो जो हालात है पंजाब के वह प्रतख हो जाते इस घर तो कि पंजाब की कुछ वापर रहा। एक घर के दो नौजवान एक पहला नशे ना पूरा होंगे तो एक भोग तो पहला वो भी पूरा हो जाता। तुम इन मापियां की हालत देखो। सो हुकूमत को मैं पूछना चाहना कि एक पास असी दावे करते फिरते हैं वे वे पंजाब मैं नौजवानों को भड़का रहा, ये जोड़े नौजवान घर करते घर के घर खाली हो गए हैं, छोटा जहाँ पुत्र है एक धी है। हूँ ये हुकूमत को पूछना चाहिए भी नशा जोड़ा विक रहा है ये तो थोड़े बस की गल नहीं, बंद करना फिर असं तो करावे, पर फिर तुम चीका ना मारियो कि तुम कि तरीके करा रहे हो जो किमें करोगे। मैं जो तो पिंड जाना नौजवानों को अपील करना अज कि ये घर की हालात तुम वेखो जोड़ा नशा है वह बंदे होशोवास भुला दिता भी मेरा फायदा की नफा की नुकसान की है, पर अपने माँ प्यो वाल झाती मारो अपनी कौम वाल झाती मारो कि साढ़े माँ प्यो साढ़े धियाँ पुत कि हालात में गुजरने बाद तो साड़ी कौम जी हम जवान नौजवान ही रहे तो संघर्ष करना करना अपने हकों की गल त करा जो कि जवानी बजूगी। नौजवानों इस गल के उत्ते तहैया करो कि ये छड़िया तंगी तो तुम आनी है, पर घट्टो घट अपना निश्चय करो मन ये अपने इन्हों माँ प्यो वाल वेखो भी ये इन्हों का की जीवन है। मतलब तो सारे का ही इदा जो कर रहे उन्होंने सगो ज़्यादा माड़ी हालत है। उन्होंने घर लड़ाई झगड़े कुटमार पैसों खोना तो बाहर जाके लुटा करनी है ये सब कुछ नशे से फसे हुए नौजवान कर रहे हैं। उन्होंने अपील है बड़ी निम्रता से बेनती है कि मैं हाथ जोड़ के उन्होंने बेनती करना कि तुम मुड़ो घर गुरु के सिख बन के मुड़ो। जी आप गुरभाई लहर चलाई है वह भी अर्थ यही मानता कि आप सारे एक दूजे के भाने हैं तो भरा आप बनना ता जे आप गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पुत्र बनीए तो इन्हों माँ प्यो की जिंदगी भी सौखी हो ना नशे फतेह करिए। धियां भैनों भी बेनती है जिड़िया अपन बीबिया ने तुम अपने भरावान अपने घर वालों प्रेरित करो भी वह खंडे बाटे की पहुँच छकन। ये किसी टोकना नहीं, कई मैं सुने कई घर बीबियां आप कहदियां भी नहीं तुम ये काम तो नहीं करना, सो हूँ आह काम तो चंगा नहीं ना जो हो जो वापर रहा। सो इस करके ये माँ प्यो का दुख हुकूमत भी वेखे कि एक घर है अजे इतों 3 किलोमीटर।